वाराणसी की रैली को स्थगित इसलिए करना पड़ा कि प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया कि आप इसकी स्वीकृति प्रदान मत करिए मैदान का। तो भाजपा डरती क्यों है भाई? हमारी उम्मीद थी कि भाजपा को कम से कम इतना एहसास तो जरूर होना चाहिए कि जो अंबेडकर समागम किया और पान बुनकर ताती सम्मेलन किया उससे बेहतर है मेरा कार्यक्रम होगा, कितनों होगा तब। मैदान हमने किया था, अनुरोध किया था, उस पर दबाव क्यों डाला? क्यों दबाव डाला? क्यों परेशान है? गंगा मैया आप ही को बुलाया है खाली? गंगा मैया का इतना अच्छा मेरिन ड्राइव है, मुझे दिखाते वहाँ अब उनका गंगा मैया का गाद दिखा देते। बनारस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को रैली होने जा रही थी, लेकिन इस रैली को रद्द कर दिया गया। अब बीजेपी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जानते थे कि उनकी रैली फ्लॉप हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने रैली को कैंसिल कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, रैली को कैंसिल करने की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि फ्लॉप होने के डर से नीतीश कुमार ने खुद रैली को कैंसिल करवा दिया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी दो कार्यक्रम बहुत बड़ा जबरदस्त किया, एक में तो 1 करोड़ आदमी था अंबेडकर समागम में, तो इतना भारी भीड़ था कि पटना चलना मुश्किल हो गया था। एगो पान बुनकर ताती सम्मेलन किए थे, नित्यानंद राय उसमें थे, बापू सभागार में जो हम ही लोग बनाए हैं, और उसमें जितना सिपाही सुरक्षा में था ना उससे भी कम श्रोता थे। अब तब हिम्मत देखिए वक्ता लोग का, एकदम प्रवचन करते रहे। अरे भाई आपसे अभी तो दो कार्यक्रम से देख लीजिए, तुलना कर लीजिए ना। माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी भीम संवाद किया, अम्बेडकर समागम, दोनों का फोटो लगा दीजिए किसमें ज़्यादा भीड़ थी। एक तरफ कर्पूरी चर्चा कर दीजिए हमारा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी का पान बुनकर ताती सम्मेलन। वाराणसी की रैली को स्थगित इसलिए करना पड़ा कि प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया कि आप इसकी स्वीकृति प्रदान मत करिए मैदान का। तो भाजपा डरती क्यों है भाई? भाई लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? तुलनात्मक विवरण अगर पेश किया जाता तो इसके चलते भाजपा परेशान हो गई। तो हमारी उम्मीद थी कि भाजपा को कम से कम इतना एहसास तो जरूर होना चाहिए कि जो अंबेडकर समागम किया और पान बुनकर ताती सम्मेलन किया उससे बेहतर है मेरा कार्यक्रम होगा, कितनों होगा तब। गाँवों में हम जाएंगे तो उस ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, सब का तो आदमी ही नहीं जुटता है, जबकि पन्ना प्रमुख है इनके पास। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जदयू डर गई है, ऐसे में नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से डर कर जदयू ने रैली कैंसिल कर दी। इसका मतलब कि भाजपा अपराध जनित पार्टी है क्या? अपराधी से ना कोई डरेगा भाई, राजनीतिक अपराधी तो नहीं है ये लोग, पार्टी है भाई। हम डर गए तो सच का खुलासा करिए ना कि जो मैदान हमने किया था, अनुरोध किया था, उस पर दबाव क्यों डाला? क्यों दबाव डाला? क्यों परेशान है? गंगा मैया आप ही को बुलाया है खाली? गंगा मैया का इतना अच्छा मेरिन ड्राइव है, मुझे दिखाते वहाँ अब उनका गंगा मैया का गाद दिखा देते, तो समझ में नहीं आ रहा है। आपके नेता कह रहे हैं कि भ्रमण करेंगे, जदयू के तमाम नेता लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे। भाई निश्चित रूप से कार्यक्रम तो होना ही है, रोकिएगा कैसे आप? ये आपके कुब्बत के बाहर का चीज है, कार्यक्रम तो होना ही है। तत्काल उसको स्थगित किया गया है चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर वातावरण बना करके जितना दिन रोकिएगा उतने दिन पाप आपका और संग्रह होते जा रहा है। अभी पार्लियामेंट में पाप कर रहे हैं ना, 56 इंच का सीना चुप हो गया है, बोलिए नहीं निकल रहा है पार्लियामेंट की सुरक्षा पर, किसको भ्रम जाल पैदा कर रहे हैं? अभी तो इनका पाप का संग्रह हो रहा है, जितना रोकिएगा उतने प्रतिरोध तेज होगा, जितना रोकिएगा उतना प्रतिरोध तेज होगा। ऐसे में रैली उत्तर प्रदेश में होके रहेगी, लोगों से मिलेंगे। जदयू के नेता नीरज कुमार ने यह साफ कहा है कि रोक के तो दिखाइए कुबत कितना है आप में, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।